हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है फार्मिंग सिमुलेटर 16 में जो है मकई की काश्तकारी करेंगे और उसको काटेंगे और उसको बेचेंगे। वैसे दोस्तों आजकल फार्मिंग सिमुलेटर 20 भी चल रही है, लेकिन उसका गेम प्ले जो है वो अच्छा नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है लैगिंग होती है। इसलिए हम जो है फार्मिंग सिमुलेटर 16 में ही ये खेती करेंगे। इसकी ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं। तो दोस्तों जो हल है वो हमने चला दिए हैं खेतों में, तो अब बीज बोने की बारी है, तो चलिए बीज बोते हैं इसमें। तो ये हमारे पास मशीन है, दो ट्रैक्टर है हमारे पास बीज बोने के लिए, तो इसको ऑटो पे कर देते हैं और दूसरा ट्रैक्टर भी ले आते हैं। यहाँ पर ये ट्रैक्टर है दूसरा, और यहाँ पर ये मशीन हमारे पर पड़ी है। उसको यहाँ से क्विक कर लेते हैं और इसको दूसरे खेत में जो है वो काम पे लगा देते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो चार खेत हैं जहाँ पे हम अपनी जो मकई की फसल इसको उगाएंगे। इसको भी ऑटो पे कर देते हैं और ये जो हमारे पास गाड़ी है और आपको अपने फार्म का भी व्यू करवा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये भी काफ़ी अच्छा वर्जन है इसका, फार्मिंग सिमुलेटर का। वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, चलो उसे देखते हैं। वो देखो ट्रैक्टर आपस में जो टकरा गए हैं, उसको अलग अलग करते हैं। हाँ जी, तो ये देखिए एक मिनट, इसको भी ऑटो से हटा देते हैं, इसको दूसरे खेत में लगा देते हैं और इसको भी दोबारा जो है वो काम पे सेट कर देते हैं, ताकि आपस दोबारा टकराए नहीं। और इसको ऑटो पे कर देते हैं और दूसरे ट्रैक्टर को कहीं दूर वो जो आगे खेत उसमें लगा देते हैं काम को। हाँ, तो एक दो दो पीछे थे, ये साथ में है और एक आगे, ये जो है ये हमारा खेत है। इसको भी ऑटो पे कर देते हैं ताकि काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ जो बीज बोने का काम है वो जारी है। तब तक हम फार्म को विजिट कर लेते हैं। जो ट्रैक्टर ट्रॉली हमारी, उसके अलावा ये हमारे फर्टिलाइजर मशीन है, एक ये है एक ये है, उसके बाद ये कटाई के लिए जो मशीन रहती है ये वो है, उसके बाद ये प्लोइंग प्लो है। हाँ जी, तो हमारा जो एक खेत है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, तो ये जो है बीज की बुआई का काम वो मुकम्मल हो गया है और ये मकई के जो छोटे छोटे पौधे हैं वो भी निकल आए हैं।
इसके बाद आप जो भी पौधे हैं उनके ऊपर से स्प्रे करने फर्टिलाइज़र वगैरह ये बहुत देरी ताकि जल्दी से जो पौधे हैं ये ग्रो हो जाएं। फर्टिलाइज़र और स्टार्ट कर देते हैं साथ में ताकि जल्दी ये ग्रो हो जाए। फर्टिलाइज़र का काम भी शुरू हो चुका है। इसके बाद हमें जो फसल इसकी कटाई करनी है इसके लिए हमें बाबा जो कटिंग की मशीन है वो काफ़ी छोटी है और सिर्फ एक ही है। ये देखिए काफ़ी छोटी सी मशीन है, हमें एक और मशीन चाहिए तो वो जो है वो मशीन जो है उसको बाय कर लेते हैं यहाँ से। ये हार्वेस्टर है पे हीडर्स तो ये हमने बाय कर लिया है, तो चलो अब इसको लेकर आते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास आ गया है तो इसके पीछे फिक्स कर लेते हैं क्योंकि सामने करेंगे तो ये रोड काफ़ी छोटा है। तो फिक्स हो गया पीछे, तो चलिए अब इसको ले चलते हैं अपने फार्म पर। काफ़ी बड़ी मशीन आई है और इससे ये हार्वेस्टिंग में काफ़ी जल्दी हो जाएगी। तब तक उस फर्टिलाइज़र का काम है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। काफ़ी स्लो चल रही है ये। अगर आपको हमारी ये वीडियो है अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे जो आने वाले तमाम वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहें। तो अब इसको अब फार्म की तरफ ले चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी। काफ़ी स्लो है जो ये मशीन चल रही है, मशीन से हमें काफ़ी आसानी होगी जो हार्वेस्टिंग में है ना। दूसरी मशीन यूज़ करेंगे तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा हार्वेस्टिंग में। अब इन दोनों का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो काम है वो ख़त्म हो जाए। दोस्तों अगर आपने ये गेम पहले नहीं खेली तो इस गेम को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप फार्मिंग सिमुलेटर 20 खेलना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगा किस तरह आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने डाउनलोड की हुई है लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है काफ़ी ज़्यादा लैगिंग वो करती है। 4 GB रैम पर भी वो ईज़िली नहीं चलती, बहुत ज़्यादा जो है वो स्लो चलती है, काम ही नहीं करती सही से। लेकिन उसकी ग्राफिक क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल थ्रिल लगती है हर चीज़। तो ये हम फार्म तक हम पहुंच आए हैं, दिन भी होने वाला है। तो इसको यहीं पे ही पार्क कर देते हैं क्योंकि अभी हार्वेस्ट का काम भी शुरू होने वाला है। और वहाँ पर हमारा ट्रैक्टर फिर से फंस गया है। गाड़ी के साथ फंस गया था इसलिए थोड़ी देर हो गई।
चलो फार्म का भी चक्कर लगा के आते हैं। ये देखिए थोड़े थोड़े से पौधे हैं वो निकलना शुरू हो गए हैं, और ये जो है सब यहाँ पे फार्म है, अभी अभी बीज भी बो दिए हैं, ये चार फार्म है। अभी दिन भी हो गया है, गाड़ी को उधर पार्क कर देते हैं। तो यहाँ पे ये फर्टिलाइजर का काम अभी जारी है। साथ में जो दूसरा खेत है उसमें भी काफी बड़ी बड़ी है, मकई है हो गई है। ये वो गलती से जो पहला मैं दूसरे ट्रैक्टर से एक लाइन लगाई थी वो बीज की, तो वहाँ पे काफ़ी बड़ी हो गई है, ज़्यादा से छोटे छोटे मकई है। फर्टिलाइजर देने के बाद ये यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसको ग्रो होने में, बहुत जल्दी है जो है बड़ी हो जाएगी और फिर इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों काफी बड़ी बड़ी हो गई है ये। और एक हमारा खेत जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। चलो एक खेत हो गया, अब दूसरे खेत में चलते हैं फर्टिलाइजर के लिए। काफी स्पीड के साथ ये ट्रैक्टर जो है ये काम कर रहा है। हमारा जो पहले खेत हम कही वो काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो ये देखे जो तीसरा खेत है उसमें भी अब छोटे छोटे जो है मकई के पौधे निकलने शुरू हो गए हैं। फर्टिलाइजर कंप्लीट होने तक तकरीबन ये काफी बड़ी हो जाएगी, पैर वाली शायद पक भी जाए। तो यहाँ से थोड़ी सी वीडियो हम जो है स्किप कर लेते हैं इसको। जी दोस्तों तो जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र का काम है वो भी मुकम्मल हो चुका है, और अब ये जो हमारे मकई के खेत हैं काफ़ी बड़े बड़े हो चुके हैं, कुछ ही देर में ये पक जाएंगे और फिर इसको हार्वेस्ट हम कर लेंगे। तो ये जो है हमारे चार खेत हैं। ये देखिए ये तो पकने वाले हैं अभी,
हाँ जी दोस्तों, तो जो हार्वेस्ट के काम है ये भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके साथ अब एम्प्लॉय का काम भी, वो भी स्टार्ट कर देते हैं शुरू से, ताकि दूसरा जो खेत है दोबारा से हम यहाँ पे कोई चीज़ उगा सकें। तो ये काम भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये मशीन्स हैं जो फंस गई हैं, इसको ले जाकर हम खाली कर लेते हैं। तब तो जो दूसरी मशीन वो सारा जो फसल इसको काट लेगी, और उसके बाद इसको हम लेवर कर देंगे। तो ये लोड आउट हो रही है, इसको यहीं पे पार्क कर देते हैं। ये चार खेत जो थे सारे सारे हार्वेस्टिंग का काम यहाँ पे हो चुका है। कभी यहाँ से लोड आउट करते हैं और देखते हैं ट्रक की कितनी कैपेसिटी है, कि यहाँ से चार जो खेत है उसकी उससे भी ये नहीं भरा। तो अब हम ट्रक को जो है डिलीवरी के लिए भेज देते हैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों अगर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर दें।